नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 68। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है, पहला कॉलम ए के अंदर जो पहला आपको दिया हुआ है, 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्ड स्लिट्स, और ये भी एनसीईआरटी का है। 6 से 15 पेयर ऑफ गिल्ड स्लिट्स आपकी प्रेजेंट होती है साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोम्स के अंदर। तो ए का बनता है आपका सेकेंड। अब ए का सेकेंड आपको एक ही ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि फिर उसके बाद में और आप आगे देख सकते हैं प्रेजेंस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, यूरिन के अंदर किस चीज की प्रेजेंस से आप बता सकते हैं कि इस बंदे को डायबिटीज मेलाइटस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीटोन यूरिया एंड ग्लाइकोज यूरिया। अगर जो जिसको भी डायबिटीज मेलाइटस है उसके यूरिन में आपको कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज देखने को मिलेगा, जिस कंडीशन में यूरिन के अंदर ग्लूकोज की प्रेजेंस दिखने लग जाती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोज यूरिया, और जिस कंडीशन के अंदर कीटोन बॉडीज की प्रेजेंस दिखने लग जाती है यूरिन के अंदर उसको बोलते हैं कीटोन यूरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। 70 क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1 है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ टैनिंस रेजिन्स ऑयल्स एक्सेट्रा हार्डवुड इज डार्क इन कलर। बिल्कुल सही बात है, हार्डवुड डार्क इन सब के डिपोजिशन की वजह से ही होती है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 2nd, हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर गिव बट गिव मैकेनिकल सपोर्ट। बिल्कुल सही है, हार्डवुड कंडक्शन में हेल्प नहीं करता क्योंकि ये तो ब्लॉक कर दिया जाता है रेनिन टैनिन रेजिन ऑयल्स के डिपोजिशन की वजह से, तो वाटर के अंदर कंडक्शन में हेल्प करेगा ही नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है सैपवुड इज इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूफ रूट्स टू लीफ। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सैपवुड कंडक्शन करता है वाटर और मिनरल्स का रूट से लीफ पर लीफ तक। और जो लास्ट स्टेटमेंट है 4th स्टेटमेंट, सैपवुड इज इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज लाइटर इन कलर। बिल्कुल गलत बात है, ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स। तो करेक्ट जो ऑप्शन है, पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, थर्ड ऑप्शन कोलेजन और 4th ऑप्शन है लैक्टिन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कोलेजन। बायोमोलिक्यूल से डायरेक्ट पूछा गया एनसीईआरटी से क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। तो ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, जिसमें ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, सेकंड है गिबरेलिक एसिड, थर्ड है एब्सिसिक एसिड और 4th है फिनोलिक एसिड। तो ये जो डोरमेंसी वाला एक लास्ट में टॉपिक दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर वही है, उसी से क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गिबरेलिक एसिड। आगे के सॉल्यूशन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू।